हे गाइस, मैं हूं मयंक और आज मैं रिएक्शन देने जा रहा हूं द वाइट साइड के एक और वीडियो पे। पिछले वीडियो में मैंने रिएक्शन दिया था कि कैसे जो हिंदूज लोग हैं वो बलूचिस्तान में नवरात्रि फेस्टिवल जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। जफर भाई ने बहुत ही बेहतरीन तरीके से बहुत ही सिनेमैटिक शॉट के साथ जो है एक बहुत ही शानदार जो है वो ब्लॉग बनाया था बलूचिस्तान के बारे में, बलूचिस्तान की हिंदू कम्युनिटी के बारे में, माँ दुर्गा के बारे में, हिंगलाज माता के बारे में। तो ये बहुत 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 ही बढ़िया वीडियो था और मैंने जो पहली ये वीडियो है जो मैंने अपने फैमिली मेम्बर्स के व्हाट्सएप जो ग्रुप है उसमें शेयर की कि देखो यार पाकिस्तान का ये जो मंदिर है कैसे हिंदूज कम्युनिटी वहाँ पे नवरात्रि वगैरह जो है वो सेलिब्रेट कर रहे हैं। मैं जो वीडियोस है फेसबुक पे शेयर कर लेता हूँ, कभी कभार इंस्टाग्राम पे शेयर कर लेता हूँ, लेकिन कभी भी व्हाट्सएप पे शेयर नहीं करता। वो अजीब सा लगता है कि अबे यार क्या चीप प्रमोशन कर रहा है, लेकिन फर्स्ट टाइम मैंने वो किया था क्योंकि बहुत शानदार वीडियो थी। उसी सीरीज़ का अगला पार्ट है, इसमें जो है वो बलूचिस्तान के जो बलूचिस्तान या जो भी जो पार्ट्स हैं बीचेज़ हैं पाकिस्तान के, टाइटल एक्सप्लोरिंग माइंड ब्लोइंग बीचेज ऑफ पाकिस्तान ऑन मरकान कोस्टल हाईवे। मरकान कोस्टल हाईवे वहीं से गुजरती है। तो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो और आगे बढ़ने से पहले अगर सब्सक्राइब आपने नहीं किया है तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन ज़रूर से दबा ले, ताकि आपको जो है, मुझे पता है कि थोड़ा इरिटेटिंग लगता है ये बोलते हुए, आपको सुनते हुए बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लगता है, लेकिन कर देना। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द वीडियो। है आवेगा बलूचिस्तान सीरीज़ की दूसरी एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की इस वीडियो में हम मकरान कोस्टल हाईवे को एक्सप्लोर करेंगे। ओ मागो थ्रू सिनरी। और क्यों, मुझे पर्सनली ये पाकिस्तान की सबसे फिट जगह लगी है। ओ मागो। अच्छा, मैं और बाकी पाकिस्तानी ना मोस्टली हुंजा और पासो को नंबर वन करार देते हैं खूबसूरती वाइज पाकिस्तान में, लेकिन यहाँ आने के बाद पता लगता है कि जी गिलगित बल्तिस्तान को सीरियस टक्कर मिल चुकी है। और मारा बीच और हिंगोल नेशनल पार्क मकरान कोस्टल हाईवे की दो सबसे क्रेजी जगहें हैं। मेरे पास अल्फाज नहीं है जिनको हम अभी आगे जाके देखेंगे, और कुनमलीर बीच पर भी रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। एक तरफ हिंगोल की सहर अंगेज चट्टाने और सामने ठाठे मारता हुआ एक इनफाइनाइट समंदर, क्या बात है। मकरान कोस्टल हाईवे सदर्न पाकिस्तान का सबसे इम्पोर्टेंट कनेक्शन है जो 2004 में कंप्लीट हुई थी, जो कि इस पूरे खित्ते के लिए एक गेम चेंजर साबित हुई। ये है पाकिस्तान की कोस्टल हाईवे, ये मुशर्रफ दौर में बनाई गई थी। इसकी इतनी ज्यादा सिग्निफिकेंस है पाकिस्तान की, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी इसका बहुत ज्यादा फायदा है। ये पाकिस्तान की पूरी कोस्टल लाइन को कवर करती है मोस्टली, और पाकिस्तान के जितने भी मेन कोस्टल एरियाज हैं, जितनी भी बीचेस हैं पाकिस्तान की, कोई सी रोक ना, गाड़ियां जा रही हैं, लोग सैर तफरी करने के लिए आ रहे हैं। दिस इज माय ब्यूटीफुल पाकिस्तान। इससे पहले कराची का जो सफर था मकरानी एरियाज की तरफ, जैसे कि ओरमारा, पसनी या गवादर, बड़ी मुश्किल से तय होता था। और कराची टू गवादर की अगर बात करें तो दो दो दिन भी लग जाते थे, गाड़ियों के टायर फट जाते थे। और अब आप कराची टू गवादर यानी पाकिस्तान की तकरीबन सारी कोस्टल बेल्ट को सिर्फ 8 घंटे में कवर कर सकते हैं। और रोड, क्या बात है, उफ। ओ माय गॉड, ट्रू लव। अरे यार इतना है तो चलो यार ठीक है, ये बंदा भी ठीक है, लेकिन यार कोस्टल हाईवे तो इसको 4 लेन तो होना चाहिए था, 2 लेन है। मेरे ख्याल से अब अपग्रेड भी कर ही देना चाहिए। हाँ, मेरे ख्याल से अगर ट्रैफिक कम है तो ये काफी है, क्योंकि मुझे गाड़ियां ज्यादा नहीं दिख रही हैं। तकरीबन 2.5 घंटे की दूरी पर वाकया है, और आप जैसे ही इस एरिया में एंटर होते हैं आपको हिंगोल के खूबसूरत लैंडस्केप्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। हिंगोल नेशनल पार्क। देखिए आपने बस। हाँ देखी ना, मेरे ख्याल से 4 लेन की जरूरत नहीं है, ट्रैफिक बहुत ज्यादा कम है, ये रोड इनफ है। इतनी खुशी हो रही है कि मैं बता नहीं सकता। ये भी बलूचिस्तान की एक साइड है जिसको कोई नहीं जानता, और ये है पाकिस्तान की द वाइट साइड। बहुत बढ़िया सीरीज शुरू किया यार जफर भाई ने, यार बहुत बढ़िया। Wow! Wow!
ड्रोन का बहुत बढ़िया उपयोग। ये जो सारा एरिया है ना, ये जो सारी टेरेन आप देख रहे हैं, ये ओवर द ईयर्स यहाँ पे इस एरिया में चूंकि हवा का प्रेशर इतना ज़्यादा होता था, इस तरह की शेप्स बन गई, बड़ी मज़े की शेप्स बन गई। और आप पीछे देख सकते हैं जो प्रिंसेस ऑफ होप है, ऐसा लगता है कि कोई किसी खातून का मुजस्मा है, जबकि ये मैन मेड नहीं है, ये खुद ओवर द ईयर्स ये डेवलप हुआ है। ओ, मैं यही सोच रहा था कि यार इसके बारे में कुछ बताओ यार, कैसे कौन बनाया, कैसे बना, बहुत पहले की है क्या? कनेक्टिविटी की वजह से मकरान कोस्टल हाईवे पाकिस्तान की सी फूड इंडस्ट्री की ग्रोथ में भी अपना अहम किरदार अदा कर रही है, और इस सिलसिले में जो हमारी नेक्स्ट अच्छा नहीं लगता यार गवादर में होगी। और इस हाईवे की ही तकमील के बाद सदरन बलोचिस्तान की जो तरक्की है वो भी स्पीड अप हो गई है, और इसी रूट की वजह से ये जो सदरन कोस्टल एरियाज हैं जैसे कि ओरमारा, गवादर, पसनी वगैरह, इनकी जो अपर बलोचिस्तान के साथ कनेक्टिविटी है वो भी बहुत बेहतर हो गई है, और इवेंचुअली पूरे पाकिस्तान से बलोचिस्तान, कुंद मलीर बीच। तो ये वो जगह हैं जिनको मतलब पाकिस्तान सही लेवल पे इनको ना आबाद होना चाहिए पाकिस्तान में, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके दे सकती है ना कि हमारी सोच है। तो अब काम तो जारी है, लेकिन इसमें मैं कहता हूँ कि 10 times इसमें इजाफा होना चाहिए इसकी स्पीड, क्योंकि मेन तो ट्रेड है वो समंदर से ही होता है, और समंदर के साइड में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत तगड़ा होना चाहिए। मुंबई इतना डेवलप क्यों है? क्योंकि भैया वो अरेबियन सी पे है, एकदम किनारे है, तो सारा ट्रेड तो वहीं से होता है। तो जितने भी कोस्टल एरिया वहाँ पे डेवलपमेंट तो बहुत बढ़िया होनी चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया, GDP बढ़िया। पाकिस्तान की कोस्टल बेल्ट पर सफ़र करते हुए मैं ये सोच रहा था कि यार पाकिस्तान के पास कितने बड़े एरिया पर ये साहली इलाके मौजूद हैं, जिनमें से 90% जो एरिया है वो अंडर डेवलप्ड है। अब तकरीबन UAE के बराबर ही है हमारी जो कोस्ट लाइन है, उनकी मेरे ख्याल 1200 किलोमीटर है और हमारी तकरीबन 1000 किलोमीटर। हम भी इसको आबाद कर सकते हैं, और नो डाउट सी पैक के बाद गवादर ने तो तरक्की का एक सफ़र शुरू कर दिया। लेकिन सोचें ज़रा, अगर इस साहली पट्टी को हम और भी ज़्यादा डेवलप कर दें, मतलब गवादर के साथ साथ कुछ और भी नए शहर बनाना शुरू कर दें, तो पाकिस्तान के अंदर कितनी ज़्यादा तरक्की होगी, और पाकिस्तान की इंटरनल तरक्की के साथ साथ हम आलमी तिजारत का मरकज भी बन सकते हैं। और मारा के साहिल में अबे संदेह कितना बड़ा दिख रहा है, एकदम किस कर रहा है समंदर को। खत्म हो गया क्या? ओ बाकी बहुत बहुत बढ़िया। पानी में वो क्या ऊपर? अच्छा झाग है, मुझे लगा क्या गंदा चीज दिख रहा है, वो झाग था। वीजा तो गए दो गए Unbelievable scenes. मेरे पास अल्फाज नहीं है। अमेरिका के ग्रैंड कैनियंस जो एरिजोना में है वो पूरी दुनिया में मशहूर है, हमें भी हिंगोल नेशनल पार्क को उतना ही मशहूर बनाना है, एक ग्लोबल टूरिस्ट डेस्टिनेशन हमने इसे बनाना है। तो जब तक हम गवादर पहुंच रहे हैं, आप जरा इस वीडियो को हमारी लास्ट वीडियो की तरह वायरल तो करें जरा।
पिछले 3-4 सालों से कराची और सिंध वालों ने तो इस रोड पर खूब गहमा गहमी डाल दी है। मैं लाहौर के लोगों को भी कहता हूं, ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है यार, और ये मजा आ जाएगा यहाँ पे ट्रैवल करने में तो, क्योंकि चीजें इतनी ज्यादा हैं, ऊंचे पथरीले पहाड़, रेगिस्तान और खूबसूरत बीचेस, सुभान अल्लाह। ओ मा गोत्रुला, मिलते हैं वीडियो के साथ गवादर में। ये वाली जो वीडियो है ना, ये वाली हिंदू डांसिंग इन बलोचिस्तान, इसी को मैंने शेयर किया था, बहुत आला वीडियो है ये तो है ही। पिछला वीडियो जिस शिद्दत से बनाई गई थी, मेरे ख्याल से ये वीडियो भी उतनी ही शिद्दत से बनाई गई थी। पिछला वीडियो जितना अमेजिंग था, मेरे ख्याल से ये वीडियो भी उतना ही अमेजिंग है। और उसमें दिखाया गया था कैसे हिंदू फूल फल रहे हैं वहाँ पे डेवलपमेंट के बारे में कुछ वीडियोज थे, फुटेजेस थे कि कैसे रोड्स बने हैं, कंस्ट्रक्ट हुए हैं। लेकिन ये वीडियो जो है वो बताता है कि कैसे कितना जो है डेवलपमेंट पाकिस्तान में हो चुका है, कितना बाकी है, और कैसे ग्लोबल लेवल पे जो है उस एरिया को फेमस किया जा सकता है इंटरनेशनल टूरिस्ट के लिए। देखिए, अगर आप गल्फ कंट्रीज़ में जाएंगे तो यार बहुत सारी कंट्रीज है जो सिर्फ और सिर्फ पेट्रोल पे ही डिपेंडेंट है। सिर्फ पेट्रोल वहाँ पे ख़त्म कर दो, खाने के लाले पड़ जाएंगे वहाँ के लोगों का। लेकिन यूएई को देखिए, यूनाइटेड अरब अमीरात में भी पेट्रोल जो है वो निकलता है, लेकिन बस उसका जीडीपी में 1% ही यूएई का जो है वो पेट्रोलियम की वजह से आता है उसका जीडीपी। अगर पेट्रोल वहाँ से ख़त्म भी कर दो, घंटा यूएई को कुछ फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन बगर में इतने सारे कंट्री जो तेल बेच के धनी हुए पड़े हैं, राजा महाराजा बने हुए हैं, उनका तेल हटा दो, उनको कोई पूछने वाला नहीं है आज के दिन में। तो यूएई को पहले से पता था पेट्रोल कभी ना कभी ख़त्म होगा, उसने पूरा जो अपना फोकस है वो टूरिज़्म पे डाल दिया। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तान में तो पेट्रोल भी नहीं है यार, और टूरिज़्म से इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है, इतना ज़्यादा फ़ायदा होता है कि मैं आप पूछो मत। तो मेरे ख्याल से एक बहुत अच्छा खासा इलाका है पाकिस्तान के पास जो टूरिज़्म के लिए डेवलप किया जा सकता है, वहाँ इंटरनेशनल लेवल पे जो टूरिस्ट हैं उनको लाया जा सकता है। अगर वहाँ के जो पाकिस्तान के लोकल्स ही हैं वही वहाँ पे आके हॉलीडे स्पेंड करना शुरू कर दे, तो यार मेरे ख्याल से उस एरिया का इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही तेज़ी से चेंज होगा, और उससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा उसको पाकिस्तान का तो फ़ायदा होगा ही होगा। तो सोने पे सुहागा है अगर ये जगह जो जितना अभी दिखाया गया इतनी खूबसूरत है, इसको डेवलप किया जाए, होटल्स बनाए जाए, एक सही से शहर बसाया जाए तो बहुत बढ़िया हो सकता है। मैं बात कर रहा था उस सड़क की कि अगर एक शहर से दूसरे शहर को अगर कोई सड़क जोड़ रही है तो इंडिया में 4 लेन अब हो रही है, बहुत जगह पर हो भी चुकी है। जो छोटे शहर हैं वहाँ पर 2 लेन चल रहा है, लेकिन थोड़ा सा भी बड़ा शहर है तो वहाँ से दूसरे शहर के लिए जो है वहाँ पे 4 लेन बननी शुरू भी हो चुकी है, बहुत जगह बन भी चुकी है, इसी तर्ज में मैं बोल रहा था। लेकिन इंडिया में ट्रैफिक जो है वो बहुत ज़्यादा पड़ता है, इसलिए 4 लेन है वहाँ पे। मैंने शुरू में लगा था कि 4 लेन होना चाहिए, लेकिन यार मैं जब ट्रैफिक देखा तो ट्रैफिक तो बिल्कुल भी नहीं था, और बंदा बस दिखाया जा रहा है कि देखो देखो बस जा रहा है यहाँ का, तो रेयरली यार दिख रहा था ट्रैफिक। तो मेरे ख्याल से वो 4 लेन क्या 1 लेन भी होती तो यार कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं था। एक बात भाई ने बताई नहीं कि वहाँ पे ट्रेड होता कैसे है, वहाँ पे जो फिशिंग इंडस्ट्री है उसके बारे में बताया जा सकता था। मेरे ख्याल में भाई ने मिस कर दिया। मैं ये नहीं बोला कि वीडियो ख़राब था, बहुत बढ़िया था, लेकिन इसमें मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये दिखाया जाए जैसे कि फ़िशिंग इंडस्ट्री कैसी चल रही है, वहाँ पे आसपास ट्रेड कैसे होता है, और वहाँ के लोग जो हैं जो लोकल पीपल हैं, लोकल हैं वहाँ के, वो वहाँ पे कैसे गुजर बसर करते हैं, क्योंकि पूरा रेगिस्तानी एरिया है, आबादी कहीं ना कहीं तो होगी, अब आज छोटे मोटे गांव भी होंगे। अब वहाँ पे गांव में जाके वहाँ के लोगों से बात करना, वो कैसे अपना जो है ब्रेड बटर जो है वो अपने टेबल पे मतलब लाते हैं, मतलब कैसे अपना खाना खाते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं, उनके बारे में भी जानने का मैं इच्छुक था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस वीडियो में था नहीं। उम्मीद करता हूँ कि ऐसी वीडियोज़ मुझे और देखने को मिलेंगी जो मेरी एक्सपेक्टेशंस थी। बहरहाल 10 out of 10 एक्सीलेंट। आते जाते अगर आपको ऐसी और वीडियोस देखना है मेरे साथ तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में सजेस्ट करें, लाइक जरूर करते हैं, एम करते हैं कम से कम 1000 लाइक्स की कर देना, और सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो खुदा का वास्ता, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय।